वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज अनमोल जैन फ्रॉम बुलबुल प्रोडक्शन नवरंगपुर। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे रहोगे। तो गाइज, बहुत दिन बाद मेरा ब्लॉग आने वाला है और एक्चुअली बहुत सारे ब्लॉग मैंने शूट किए हैं जिसको मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, बिकॉज एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। तो आज हम करेंगे हमारा जो आईफोन 14 आया है उसको अनबॉक्सिंग, और उससे पहले अभी फ़िलहाल अपन गाड़ी धो रहे हैं बिकॉज कल है दशहरा, तो आज ही पूजा कर लेंगे। तो गाड़ी धोना इसीलिए पड़ रहा है बिकॉज इस समय जितने भी जगह गाड़ी धोते हैं सब जगह भीड़ है वहाँ, और जाने के लिए क्या है वहाँ पे बात भी नहीं करेगा जो गाड़ी धोता है। ठीक है, कई बतरा बार चुना स्टार्ट। ये है हमारा आईफोन, ओके, जो कि लाके 15-20 दिन हो गया और मैंने यूज भी कर लिया। इसको अनबॉक्सिंग करना है बोल के फिर से मैंने बॉक्सिंग किया है, जो कि सेलो टेप से किया है। ठीक है, अनबॉक्सिंग का वीडियो भी तो एक होना चाहिए ना। तो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये फोन कौन सा है। ये है आईफोन 14, ओके। तो गाइज, ये है आईफोन 14, जो कि आप सभी लोगों ने देखा होगा किसी और के रिव्यू में। मेरे को ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। और इसमें एक एक्चुअली केबल भी आया है जो कि मैं घर पे रखा हुआ है, मतलब चार्जिंग के लिए मैंने निकाल लिया है, इधर रखना भूल गया। और इसके साथ पता नहीं क्या क्या है, पर कोई कोई बोलते हैं इसके अंदर कवर भी रहता है। अब मेरे को तो पता नहीं सही में रहता है नहीं रहता है, इसको निकाल के देखते हैं शायद इसमें कवर निकल जाए। वैसे एक कवर खरीद लिया है मैंने। सच में रहता है कि नहीं डाउट है, मेरे ख्याल से नहीं रहता है। कुछ नहीं रहता गाइस, जैसे आपने सुना सब गलत है। ठीक है, तो अब हम करेंगे इससे शूट, ओके। इस फोन को करते हैं बाय बाय। और ये फोन से क्यों शूट नहीं करेंगे उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूँ इसी फोन में, और इतने दिन से क्यों व्लॉग नहीं आया उसका रीजन मैं अभी बता रहा हूँ इसी फोन से। सो गाइस, फाइनली अब मैं जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो है हमारे आईफोन, ओके। तो आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ, ये फोन हो गया है मेरा खराब, इसी रीजन की वजह से मैं इस व्लॉग मेरा अराउंड 1 या 1.5 महीने से नहीं आ रहा था। सब लोग बोल रहे थे दुकान पर आके आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो वो मेन रीजन वो ये है कि मेरा ये जो फोन है इसमें अराउंड 14 लाइंस आ गई हैं, ओके। ये आया क्यों, मतलब वन प्लस का कुछ नया ट्रेंडिंग चल रहा है, अपडेट करने से ऐसे लाइन आ रहे हैं। तो क्लेम किया है, कब क्या इसका क्या रिजल्ट आएगा वो तब तक तो अपन वेट नहीं कर सकते। उसी रीजन की वजह से मैंने नया फोन लिया जो कि है आईफोन, और वही मैं शूट कर रहा हूँ। तो क्लैरिटी पता चल रहा होगा, मतलब मैंने इससे पहले वन प्लस में शूट किया था और अब कर रहा हूँ मैं आईफोन में। तो कमेंट करके जरूर बताना गाइस कैसा लग रहा है, मतलब आईफोन से अच्छा लग रहा है या वन प्लस से अच्छा लग रहा था। तो अभी नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, उसके रिगार्डिंग गिफ्ट वगैरह जा रहा था, और क्या क्या गिफ्ट जा रहा था मतलब पैक करके रख दिया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। और आज रात को हम जाएंगे दशहरा जो भी है सूट, मतलब जो भी डेकोरेशन किए हैं दशहरा का वो सब दिखाएंगे। गाइज, ये है हमारा साहिल जो कि शकल छुपाते हुए जा रहा है, ठीक है। महीना में 15 दिन छुट्टी करता है। गाइज, ये है हमारी शॉप दीप बुलबुल डेकोरेशन, जो कि बोर्ड चेंज करना है अभी फिलहाल। चाय कौन सा 20 रुपये रे बोला, हिंदी में बोलना भाई, लिया था दो बोला। ऐसा बोला क्या? I don't want. तुझे कोई दे भी नहीं रहा, खाली फोटो खींच रहा था मैं चाय के संग तेरी फोटो। थैंक यू। तो गाइस, इसने मेरे को पैसे दिए तो उसके लिए लो रही है। देखो देखो देखो, आंसू आंसू दिखेंगे आपको, दिखा प्रिया आंसू दिखा। देखो देखो देखो, रो रही है। मत रो। लेकिन जी, आईफोन से ये एक बेनिफिट है कि पूरी नीट एंड क्लीन दिख रही है रे। तेरी जो आंख के नीचे जो डार्क सर्कल है ना, जो आंख के नीचे साइड में जो पॉइंट है वो भी दिख रही है रे। सुन, तेरे दांत भी दिख रहे हैं। सुन, जो ये व्लॉग देखेंगे ना तेरे को मारेंगे, झमर हो जाएगा, निकल ले। तो गाइज, ये जो भी मैं शूट कर रहा हूँ वो सब सिनेमेटिक शॉट है। तो
गाइज अभी तक मैं जो शूट कर रहा था सब टोटल बैक कैमरा से शूट कर रहा था। मेरे को जहाँ तक सुनने में आया है जब भी ब्लॉग शूट करते हैं तो बैक कैमरा से ही परफेक्ट रहता है, तो मैं अभी जो कर रहा हूँ वो फ्रंट कैमरा है। ओके, तो मैं जो बता रहा था गिफ्ट वगैरह रैपिंग करना था, मतलब 4-5 घंटे से फिर मैंने शूट नहीं किया, वो रीज़न ये है कि ऐसे गिफ्ट्स वगैरह नवरात्रि में मतलब 9 रमजान को देते हैं, तो ऐसे कम से कम 6 या 7 नौ कन्या को खिलाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, तो ऐसे 6 या 7 कस्टमर आए थे, यानी कि 7 × 10 70 गिफ्ट पैक किया है अपन ने टोटल। कुछ गिफ्ट ये रहा, ओके, कुछ गिफ्ट ये रहे, कुछ गिफ्ट ये रहे, ठीक है, और कुछ गिफ्ट ये रहे जो कि पैक करके रख दिया है। इसमें कस्टमर लोग कोई कोई कॉम्पस बॉक्स ले जाता है, ठीक है, कोई कोई जैसे गले का सेट वगैरह ले जाता है, डॉल वगैरह ले जाता है, और टेडी बियर वगैरह ले जाता है, इस टाइप की गिफ्ट लेकर जाता है। ओके, मेरे को तो अच्छा लग रहा है गाइस, फ्रंट कैमरा में भी अच्छा लग रहा है, मतलब व्लॉग जो शूट कर रहा हूँ इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब अब लग रहा है कि हाँ वी आर ए ब्लॉगर बोल के, तब तक ब्लॉगर वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, जब ये आईफोन ले लिया तब लग रहा है कि हाँ हम लोग हैं ब्लॉगर। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। ओके, तो अब जाते हैं गाइस घर, पापा को लेकर सब पंडाल में घूमेंगे, मतलब जितनी भी डेकोरेशन किया है वो दिखाएंगे। मैंने एक डेकोरेशन जो कि मेन रोड में किया है उसको शूट करके मैंने फेसबुक में अपलोड किया, 32K व्यू गया, मतलब पहली बार मेरा कोई एक शॉर्ट वीडियो 32K गया। मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए आप देख सकते हो, ये हमारे अमन भैया, अभी दशहरा नया फोन लेके हम बहुत खुश, कैसा लग रहा है भैया फोन? बहुत मजा आ गया, पीछे से एप्पल दिख रहा है। गाइस मेरी गाड़ी पूजा के लिए गई है तो मैंने ये ले लिया अपनी सौरभ दोस्त की गाड़ी। इस गाड़ी चलाते वक्त मैंने सूट नहीं किया बिकॉज ज्यादा भीड़ थी। अभी पहुंच गए हम घर और पापा को लेके जाएंगे दशहरा दिखाने के लिए पंडाल वगैरह, तो पापा के साथ साथ मैं आपको भी दिखा दूंगा। मम्मी फोन देखो मेरी, फोन नहीं, फोन में शूटिंग मैं मत करें, रोटी बन रही है अभी, रोटा मेरे लिए पराठा बना दो, है सब्जी में क्या है जो वाली बनाई है। सो गाइस खाना तैयार है, पराठा आलू और प्याज की सब्जी। सो गाइस आ गए अपन घर से दुकान, पापा के साथ जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, तो पापा उस दुकान पे बैठे हैं, लेट्स गो। थोड़ा थोड़ा शूट करूंगा, जो मेन रोड में डेकोरेशन किया है वो मैं अभी शूट नहीं कर सकता बिकॉज बहुत भीड़ है, उसको मैं 10 बजे रात के 10 बजे या 9:30 बजे शूट करूंगा। ओके, मतलब एक स्मॉल सिनेमेटिक शॉट लेकर अपलोड कर दूंगा, कहाँ कहाँ पर डेकोरेशन क्या क्या हुआ है लेट्स सी, देखते हैं। ओके, गाइज ये डेकोरेशन है इलेक्ट्रिक ऑफिस के पास, भूत बंगला आदि योगी। सो गाइज अब हम आ गए हैं न्यू टैंक स्ट्रीट में, हमारी गली में, तो वो कैसे गर्दन ला रहा, फर्स्ट वाली देखो गर्दन, अच्छा फैन लगा दिया हम पे, हाँ देखो गाइस गजब का सेटिंग किया है पीछे, ये जो है ना ये फैन है, फैन का पंखड़ी निकाल के जुगाड़ की है तभी वो गर्दन ले रहा है। ये ओपनिंग अभी हुआ नहीं,
गाइस ऑलमोस्ट हम लोग सब जगह घूम लिए, मतलब डेकोरेशन पूरा शूट कर लिया है, बट उधर कुछ बोल नहीं पाया बिकॉज ज़ोरदार आवाज़ें हो रही थी। अभी कुछ ऐसा लुक है बिकॉज बहुत ठंडी है अभी। ओके, टोपा भी ले लिया है। और जो मेन रोड वाला डेकोरेशन है वो मैं नाइट में शूट करूँगा बिकॉज अभी बहुत भीड़ है। थोड़ी भीड़ कम होने दो, मस्त एक सिनेमेटिक शॉट लूँगा। और इसमें सिनेमेटिक शॉट का एक ऑप्शन भी रहता है, उसी से लूँगा, देखते हैं कैसा लगता है। गाइस वो टाइम आ गया है, अब हम लेंगे सिनेमेटिक शॉट मेन रोड का। ओके, ये देखो गाइस टाइटन। ऑलराइट, लेट्स गो। सो ये है हमारे मेन रोड के बीचों बीच। गाइस जितने भी पंडाल में घूमना था घूम लिए, मैं और पापा घूमकर आए, मतलब जितना भी यहाँ पर पंडाल है दशहरा का सब डेकोरेशन मैंने शूट किया है, बट बीच में कुछ नहीं बोला है बिकॉज वहाँ पे बहुत आवाज़ें होनी थी। तो सिनेमेटिक शॉट लिया है, उसको मैं मर्ज करके एडिट करके डालूँगा, और जो लास्ट वाला है वो सुपर हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।